8:10 तो आज जा रहे हैं मनाली से दिल्ली। मनाली हम रात पहुंच गए थे, फिर बहुत थक गए थे तो हम तो सो गए बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पर, थोड़ा सो गए। और बड़ी अच्छी नींद आई यहाँ पर। आई थिंक हाई एल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आती है आपको, मुझे लेकिन यहाँ बहुत अच्छी नींद आई। अभी जा रहे हैं दिल्ली, इट्स लास्ट डे ऑफ आर ट्रिप, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत दिनों से हम एक ही रूटीन में थे, अभी ये सब रूटीन ब्रेक होने वाला है, फिर वही अपनी लाइफ। अभी हम लोग 4 लोग थे लेकिन अभी 3 ही जा रहे हैं यहाँ से। एक बंदा यहीं स्टे कर रहा है, उसका कुछ प्लान में चेंज हो गया है, तो ही स्टेइंग इन मनाली, ही कम बैक आफ्टर 2 or 3 days। सो वी आर गोइंग 3 ऑन अ 3 बाइक्स। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे फिर सीधा निकलेंगे। यू आर गोइंग टू कसोल? यू आर गोइंग टू कसोल? चलो बढ़िया है। वहाँ के पर्सनल फूड्स को कंज्यूम मत करियो। वी आर ऑल सेट टू लीव। आज आज एक लंबा पक्का पक्का लंबा सफर है। ये देखो भाई साहब, हॉट एयर बलून टेक ऑफ पॉइंट है, तो ये भी टेक ऑफ करने वाला है। अरे कैसे लटके पड़े हैं, ओहे यार ये तो करने का मन था। सही है, तो ये पॉइंट है मनाली से 10 किलोमीटर पहले। अभी फ्यूल अप करा लेते हैं। वैसे मेरी बाइक अभी तक रिजर्व में नहीं आई है कारू से, अभी शायद एक बार और हमें पेट्रोल भराना पड़े करनाल में। करनाल तक तो आराम से पहुंच जाएगी। फुल आज क्या 96 का है पेट्रोल, 96 सस्ता है यहाँ पे, वहाँ 104। हाँ FZ25 अपाचे ना, FZ25। हाँ वो पूरा सर्किट। अभी तो मनाली से ही आ रहे हैं आज तो। हम भी जाते हैं विंटर में, विंटर का जब समर होता है ना। अच्छा थोड़ा और डालो हम लोग भी हायर पे देते हैं बाइक मनाली में। अच्छा अच्छा 939 पर हमारा ऑप्शन है ना। अभी हम पहुंच गए हैं कुल्लू शहर। यार ये मैंने अभी तक पहाड़ों में जो सबसे बड़ा शहर अभी तक देखा है वो यही लगता है मुझको, कुल्लू। मतलब बहुत, मतलब पहाड़ों में इतने दूर दूर तक यहाँ घर दिखते हैं, छोटे 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 बहुत। और यहाँ एयरपोर्ट भी है, भूमतर एयरपोर्ट कुल्लू। भाई साहब ये टनल क्रॉस कर रहा हूँ, इसमें पूरा कीचड़ पानी है और इतनी स्केरी सी लग रही है ये तो। एक अटल टनल थी, एक ये है। यहाँ लाइट्स भी बहुत कम है, टनल में सड़क पर पानी है कीचड़ टाइप, तो यहाँ बस आराम से चलाएं तो बढ़िया है अपना। लो जी आ गए बाहर इस टनल से भी। ये भी अराउंड 4-5 किलोमीटर की टनल थी लेकिन बहुत ही स्केरी, पूरी टनल में पानी था, वो खतरनाक होता है यार ऐसे एकदम अंधेरा और ऊपर से पानी। मीटर से है ना ऐसी रोड चल रही है कुल्लू के बाद से, ऐसे ठीक से रोड आएगी फिर खराब, ठीक से ऐसी रोड आएगी। और ये ठीक रोड भी है, ये भी बम्पी है, इसमें भी ऐसे ऐसे है, कोई अच्छी प्लेन सपाट रोड नहीं है अभी। तो अभी मंडी क्रॉस कर दिया है, बड़ी गर्मी मतलब वही शुरू हो गया और पेन होना शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो। अभी मेरे बैक में थोड़ा पेन होना शुरू हो गया है और इतनी गर्मी मतलब बस पूछो मत, पहाड़ों में ही है अभी लेकिन गर्मी बहुत है। तो इट्स अराउंड 116 किलोमीटर जहाँ हम रुके हैं, पहला ब्रेक लिया है और अभी थाली खानी है। तो भैया का भैया बड़े खुश मिजाज हैं यार, कायलार कैफे है, मंडी से बाहर निकलते हैं तभी। तो ये कह रहे थे कि हमारी थाली जरा दिखा दो अपनी वीडियो में, तो इनकी थाली प्रस्तुत है आपके सामने।
फाइनली अब प्लेन रास्ते पे आ गए हैं। हिल्स देख देख के यार जो पका हूँ मैं भाई साहब, लास्ट 80 किलोमीटर निकल नहीं रहते बिल्कुल भी। हमने 231 किलोमीटर कर दिए हैं फ्रॉम मनाली एंड चंडीगढ़ इज शोइंग 70 किलोमीटर फ्रॉम हियर, बट GPS पर कम दिखा रहा था, पता नहीं 70 दिखा रहा है। दिल्ली 323 पर रिलैक्स हो गया, नीचे आ गए ना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आंधी की हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं यहाँ पर, मे बी बारिश भी हो सकती है। कोई नहीं, बारिश होगी तो अच्छी बात है, थोड़ी गर्मी दूर हो जाएगी। ये आदमी मेरे से बहस कर जा रहा है बहुत देर से, मेरा तेजी से मेरे पीछे भाग रहा है स्प्लेंडर से, पता नहीं क्या है इसको, बड़ी है अपनी बाइक की लगाने। अभी हम रुके यहाँ पर, रुके क्या, ये सेवा चल रही है यहाँ पर लोगों की, तो रू अफजा पिया, मज़ा आ गया एक गिलास ठंडा। भैया जी, भैया जी धन्यवाद जी, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। ये होती है देखो सेवा, ये धूप में खड़े होकर सबको रोक रोक के पिला रहे हैं। ओ हो, मज़ा आ गया। अभी चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ स्पीड लिमिट 45 की है बाइक के लिए। अद्दा यार 60 पे लग रहा है जैसे साइकिल चला रहा हूँ। सो अभी जस्ट मूर्थल क्रॉस किया है एंड इट्स अराउंड 8:40 और हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, अब बस घर आ जाए जल्दी यही वेट कर रहा हूँ यार। एक्चुअली गर्मी ने ज़्यादा थका दिया, गर्मी बहुत भयंकर लगी हमें, और ऊपर से राइडिंग गेयर्स और जैकेट पहननी पड़ती है, तो और फिलहाल तो मैंने जैकेट हटा दी है। शायद अभी पता नहीं ट्रैफिक ही है, क्यों ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक है, डोंट नो। कुछ और है वो, कुछ और है तो पहले से ही डाइवर्जन दे देंगे ना उसमें, तो सिंधु बॉर्डर वाले ने अभी वैसे हमने GPS लगा लिया है सो दैट वी कैन गेट बेस्ट रूट। सारे कपड़े धीरे धीरे उतर गए, मैं इनर पहन के चला था उसके ऊपर जैकेट, इनर उतर गया बिलासपुर में, जैकेट उतर गया सोनीपत में। ये सिंधु बॉर्डर है, ये एक अलग ही अब शहर बन गया है, ये सड़क रही नहीं, ये देखो पूरा सड़क पे पूरे में टेंट वेंट लगे हुए हैं, पूरा परमानेंट बसावट कर लिए किसानों ने अपने आंदोलन के लिए। यहाँ पर हम पता नहीं छोटे छोटे रास्तों से जा रहे हैं यहाँ से साइड में, अगर जगह मिलती रही तो ठीक है जाते रहेंगे, वरना पता नहीं। GPS में तो ये पूरा रेड दिखा रहा है जो हम जहाँ से हम जा रहे हैं, मतलब ब्लॉकेज, पर कहाँ तक ब्लॉकेज है पता ही नहीं। देखो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम पता नहीं कहाँ ले जा रहा है ये GPS, खेतों के बीच में से। भाई साहब ये देखो रास्ता, ओ माय गॉड, ओके ओ अभी दिल्ली पहुंच गए हैं हम और अभी टाइम आ गया है सबको बाय बाय बोलने का। एक बंदा तो यार मेरी आवाज थोड़ी यहाँ ट्रैफिक है सॉरी, लेकिन एक बंदा तो वहीं रह गया था मनाली, लेकिन हम तीन लोग आए थे साथ में, तो अभी ITO पहुंच गए हैं, ITO से थोड़ा सा पहले, यहाँ से हम सबकी मंजिल अलग। बाय 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 बाय, मैं जाऊँगा नोएडा तो यहाँ से हम अलग हो रहे हैं, हमारी ट्रिप यहाँ एंड होती है, लेकिन अभी घर पहुँच के मैं कुछ और भी बताऊँगा, स्टे ट्यून्ड। सो इट्स अनदर डे, गुड मॉर्निंग, वीडियो एंड करनी थी सो दिन में वीडियो को एंड करने का एक ही रीज़न था कि मुझे अपनी बाइक दिखानी थी कि आफ्टर अ ट्रिप हाउ इट इज़ लुकिंग।
और अभी बस इसको धुलवाने जा रहा हूँ और ये सीरीज अब यहीं ख़त्म होती है, जो मेरी लद्दाख 21 सीरीज है ये ख़त्म होती है। भाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट, और यार थोड़ी मेहनत थी तो देख लेना, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज़। एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी जो भी मेरे लद्दाख सीरीज की इक्विपमेंट थे, क्या क्या आपको लेकर जाना है और इससे रिलेटेड सारी क्वेरीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, लेकिन लद्दाख 21 सीरीज इज एंड। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप, बहुत जल्दी आएगी। और यहाँ तक अगर आपने देखी है पूरी सीरीज तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं एक बार आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको वॉश कराने जा रहा हूँ। यू कांट सी द कलर ऑफ द रिम, इट्स शोइंग ग्रे बट ये ब्लैक है।